हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्लास्टिक बोतल से क्लैचर का डीआईवाई करना। हंसी नहीं, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर इसके लिए मैंने ये एक खाली बोतल ली है। देखिए, इसके जो नीचे की तली होती है इसको मैंने निकाल लिया है। देखिए, ऐसे मैं इसका फूल बनाऊंगी निकाल कर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। देखिए, इस तरह से मैं इसका फूल का शेप दे दूंगी कटिंग करके। देखिए, इसके बाद फिर मैं ये वाइट कलर का एक्रिलिक कलर इसमें करूँगी। आप अपने क्लैचर के कलर के अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं। देखिए, मैं हल्के हाथों से इसमें कलर करूँगी। इसमें कई कोट नहीं लगाने, सिंगल कोट ही करें इसमें, ताकि इसकी जो शाइनिंग है वो एकदम रियलिस्टिक लगे। देखिए, इस तरह से मैंने दोनों फूलों में कलर कर लिया है। अब इसके बाद देखिए, मैं येलो कलर का शेड दूंगी। ये भी एक्रिलिक कलर है मेरे पास। देखिए, बीच में जो सेंटर है उस पर मैं कलर करूँगी। हल्का सा शेड की पत्तियों में भी दे दूँगी, जो फूल की पत्तियाँ हैं। देखिए, हल्के हाथ का यूज़ करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, हल्का लाइट। थोड़ा लाइट मेरी इसमें तेज़ हो रही, इसलिए आपको थोड़ा दिख नहीं रहा है। ये मेरे पास तिलक वाले स्टोन हैं, आप कैसे भी लगा सकते हैं अपने कलर के अकॉर्डिंग। देखिए, मैं इनकी फूलों की पत्तियों पर जो पंखुड़ियाँ हैं, इस पर मैं एक एक तिलक वाले स्टोन लगा दूँगी इस तरह से, और बीच में एक छोटा सा नग लगा दूंगी सेंटर पे, जो येलो पार्ट है। देखिए, बीच में मैं इसको ऐसे ऐड कर दूंगी इसमें। देखिए, इस तरह से हमारे दोनों फूल अभी रेडी हो जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमारे दोनों फूल रेडी हो गए हैं। इसको थोड़ा सूखने रखते हैं। देखिए, इसके बाद मेरे पास देखिए ये सिंपल क्लैचर है। आप अपने क्लैचर के अकॉर्डिंग फूल बनाइए, ताकि आप लगाने के बाद आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो बालों में लगाने के लिए। इसलिए देखिए, मैंने अपने क्लैचर के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग की है फूलों की। देखिए, इसको मैंने ग्लू से ऐसे चिपका दिया है। आप इसी ग्लू का यूज़ करें, नहीं तो आप फेविस्टिक का यूज़ भी कर सकते हैं, फेवी बॉन्ड भी ले सकते हैं आप। देखिए, इस तरह से मैं दोनों साइड में ऐसे लगा दूंगी, फिर इसको थोड़ी देर के लिए सूखने को छोड़ दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए अच्छे से। देखिए, इस तरह से मैंने अपने सिंपल क्लैचर को फूलों से सजा लिया है। आप इसमें नग भी लगा सकते हैं उधर अपने हिसाब से। मुझे बस सिंपल रखना था, तो मैंने एक आपको आइडिया दिया। देखिए, इस तरह से मेरा क्लैचर तैयार हो गया है। इसको आप कहीं भी लगा के जा सकते हैं, मार्केट में, पार्टी में, स्कूल में। आपको लगा कर भी दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से कुछ लुकिंग आएगी इसकी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय।